आपको काफ़ी अच्छा सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों टीमों में धुंधले खिलाड़ी हैं। सेमीफाइनल का या पहला मैच पारा और कालिकट के बीच शुरू होने जा रहा है। लोकल की या पहली श्रृंखला जिसमें आठ टीमों के मुकाबले में चार टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंची हैं वो इस प्रकार हैं, पारा कालिकट ईसीपुर इंटरनेशनल धीमी अभी जिसका पहला सेमीफाइनल पारा वर्सेस कालिकट के बीच में प्रारंभ हो चुका है और एक नंबर अर्जित भी कर चुकी है टीम पारा। शानदार शॉट मारने का अच्छा प्रयास, लेकिन थोड़ा कहीं ना कहीं चूके और आउट मार बैठे। और उम्मीद है कि बहुत ही शानदार मुकाबला आपको देखने का मिलेगा। स्कोर बढ़ता हुआ एक दो, बढ़िया साथ अच्छा डिफेंस करने का प्रयास, लेकिन चूके और नंबर दे बैठे अपने विपक्षी टीम को। स्कोर बढ़ता हुआ दो, अब दो दो की बराबरी से दोनों टीमें सेमीफाइनल का या पहला मैच ऐसे ही बराबरी का मैच लगातार आपको देखने को मिलेगा और एक शानदार मुकाबला। दोनों की बराबरी, सर्विस पारा की तरफ से बहुत ही अच्छा, तेजी से नहीं मारने का प्रयास, धीरे से चुरा कर प्लेस कर अर्जित किया अपने टीम के लिए एक अंक। बढ़ता हुआ स्कोर 3-3-2 सर्विस, शानदार सर्विस, दूर गिराने का प्रयास लेकिन कहीं ना कहीं अंदाजे में नाकामयाब। आसानी से अंक दे बैठे अपनी बच्ची टीम को पारा की तरफ से, अच्छी सर्विस, बहुत ही अच्छा प्लेस करने का प्रयास, देखा जैसे स्थान खाली था लेकिन चूके और उतना ही बढ़िया प्रहार अंकित के द्वारा टीम के लिए अंक अर्जित करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ पारा टीम का 4। लगातार अपने टीम का अंक को बढ़ोतरी करती हुई काउंटर से शानदार मारने का प्रयास, बहुत ही अच्छा लंबा डिफेंस, लेकिन अंक अर्जित करने में भी कामयाब रही पारा की टीम। स्कोर बढ़ता हुआ 5, लगातार 2-3 अंक की बढ़ोतरी लगातार करती हुई पारा की टीम। छोटी अच्छी सर्विस, बढ़िया सप्लाई पास, अच्छा और एक अच्छा क्या नंबर अर्जित करेंगे, नहीं प्लेसिंग करने का प्रयास, अच्छा बात है 4 नंबर दोबारा कम कर पाने का प्रयास, लेकिन बहुत ही अच्छा ब्लॉक बच्ची टीम के द्वारा, गेंद अभी भी हवा में पास पास खेला जा रहा है और उस पास पास के बीच में पारा ने एक नंबर अपनी टीम के लिए अर्जित करते हुए स्कोर बढ़ाता हुआ अपनी टीम का 6-3 दुगना का स्कोर अपने टीम के लिए बना चुकी। और ये बहुत ही बढ़िया थोड़ा सा कट करके ब्लॉक को देखा, नजदीक से धीरे हाथों से मार कर लाइन के पास से नंबर अर्जित करती हुई कालिकट की टीम, स्कोर 4-6, दो ही अंक का छोटा सा गैप। ब्लॉक के ऊपर से मारने का प्रयास, डिफेंस तो अच्छा लेकिन पार कर गई टीम के, लगातार गेंद हवा में ही दिखाई दे रहा है, दोनों टीमों के बीच नोक झोंक चलता हुआ फिर 4 नंबर के पास जरूर से जरूर अंक अर्जित कर लेते हैं 4 नंबर के खिलाड़ी रोहित, जब भी उनको मौका मिलता है। अभी 7 नंबर के स्कोर में 4 नंबर अकेले रोहित के नाम, सर्विस रोहित के हाथों से, धीरे हाथों से लंबा खेला हुआ सर्विस, अच्छा पास और अच्छा रेस कूद कर लंबा मारने का प्रयास, चेकआउट लेकिन चूके चेकआउट नहीं मार पाए, ब्लॉक के बहुत से ऊपर से मारे लंबा आउट, अंक बढ़ता हुआ पारा का, लगातार अपनी बढ़ोतरी बनाई हुई पारा की टीम, बहुत ही अच्छी सर्विस नेट के पास, फिर भी मारने का अच्छा बॉल बना हुआ था विजय ने, लेकिन चूके नंबर दे बैठे विपक्षी टीम को। सेमीफाइनल का यह मुकाबला कहीं धीरे धीरे पारा के हाथों में पहला सेट आसानी के साथ आता हुआ, लगातार अंक बढ़ता हुआ 10 और 4, 6 नंबर का एक बहुत ही बड़ा बढ़त
पारा के पास बहुत ही बुद्धिमानी बड़ा बुश्ती और उसका असर दिखाई पड़ा। नंबर पर स्कोर बढ़ता हुआ 5-5 सर्विस बड़े लंबे अरसे के पास कालगन के पास। कालगन के अनुभवी खिलाड़ी ने बड़े ही प्यार से सर्विस लगाया और अच्छा रहे और वकील ने पुनः देखा ही मैदान खाली है जंप लेकर मारने का प्रयास, लेकिन नहीं आप रेफरी की नजरों से नहीं चूक सकते। बहुत ही पहली नजर लाइन को कट करने पर एक अंक अर्जित करते हुए अपनी टीम के लिए स्कोर बढ़ता हुआ कालीगंज का बढ़िया सर्विस अच्छा सफाई बढ़िया रेट लेकिन ब्लॉक भी इतना शानदार दबा दिया। सर्विस बिना जीतू के पास अच्छी सर्विस बढ़िया रेट दूर से मारने का प्रयास लेवल हैंड डिफेंस बहुत ही अच्छा विजय के पास बुला के पिछली बार नंबर नहीं जीत कर पाए थे लेकिन शॉर्ट हैंड से मारते हुए 5 नंबर खिलाड़ी अपने टीम के लिए अंक अर्जित कर 2 नंबर के लगातार नंबर के अंतराल को तोड़कर अपनी टीम के लिए अर्जित करते हुए 1 अंक और स्कोर बढ़ता हुआ 5-11। सर्विस लंबी लेकिन नजदीक नेट के पास अच्छी सफाई अच्छा डिफेंस बहुत ही बढ़िया बुद्धिमानी बना रहे जिनमें आसानी से समझ में आ रहा है माइनस के प्लेयर को और शानदार शॉट टीम के लिए 1 अंक अर्जित करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 7-11। बहुत ही बढ़िया गेंद के पास ब्लॉक के ऊपर से चेकआउट मारने का प्रयास लेकिन बहुत ही दूर मार रहे थे बहुत ही खराब शॉट आउट नतीजा विपक्षी को मिलता हुआ 1 अंक। और बहुत ही खराब खेल का प्रदर्शन आसानी से बॉल को पास किया जा सकता था लेकिन नेट में बैठे स्कोर बढ़ा हुआ 12-4 नंबर का एक अच्छा अंतराल होता है ऐसे मैचों में जब 15 नंबर के स्कोर का मैच चल रहा हो तो 4 नंबर का अंतराल बहुत मायने रखता लेकिन माइनस तरफ से बहुत ही अच्छा मारने का प्रयास लेकिन फिर भी रेफरी की निगाहों से नहीं बचे गए आप लाइन को कट कर बैठे और आसानी से अंक मिलता हुआ कालीगंज की टीम को 10-12। 6 नंबर का बढ़िया अंतराल लेकर खेल रही थी पारा लेकिन अभी सिर्फ 2 नंबर के अंतराल से खेल रही है क्या देखना होगा बहुत ही अच्छा शानदार डबल ब्लॉक जैसे ही देखा कि कॉर्नर से मारने का प्रयास करेंगे दोनों ब्लॉक ने वही पर लगा दिया बॉल और अंक करते हुए टीम के लिए 11-12। पुनः सेमीफाइनल का यह मैच मुकाबले में वापस आता हुआ 12-12 की बराबरी। लगता है कि 6 नंबर का लंबा अंतराल पारा ने मेंटेन नहीं कर पाया और स्कोर बढ़ता हुआ लगातार कालीगंज 4 नंबर के स्कोर से पहुंच चुकी है 12-12 की बराबरी बहुत अच्छी पुष्टि माइनस के हाथ में लेकिन नहीं बहुत ही खराब प्रदर्शन जब पहले बॉल दूर फिर भी प्लेस करने का प्रयास लेकिन चूके 13-12 एक अच्छा मैच अब जरूरी है 1 अंक अर्जित करना और एक बहुत ही बुधवारी भरा था प्लेस कर ब्लॉकर के पास से ही अंक अर्जित करते हुए स्कोर बढ़ता हुआ 13-13 की बराबरी लेकिन ये बहुत ही भारी पड़ सकता है कालिका की टीम के लिए। ऐसे मौके पर ऐसी सर्विस जरूर आपके ऊपर भारी पड़ सकता है 14-13 बहुत ही बढ़िया वापस लाते हुए मैच में अपनी टीम को अपने टीम को वापस मैच में लाते हुए 14-14 की बराबरी पहला सेट सेमीफाइनल का जैसी कल्पना वैसी परिणाम पुनः बढ़िया प्रयास ब्लॉक और सफल रहे दोबारा उठाने का प्रयास अंकित के द्वारा लेकिन उतनी फुर्ती नहीं दिखा पाए जितनी तेजी से बॉल उनके पास आ गई और अंक अर्जित करे हुए कालीगंज की टीम 15-14 एक अंक पास और ये एक अंक बताती है कि आपने पहला सेट अपने नाम कर लिया है। 6 नंबर के लंबे अंतराल के बीच पारा ने पहले सेट को गवाया सॉरी ये हमारे द्वारा एक छोटी सी चूक रेफरी 21 के सेट खिला रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कालीगंज के द्वारा 6 नंबर के अंतराल को वापस अपने खेमे में लाते हुए मैच को क्या अब इस
बचे हुए अंक में कुछ परिवर्तन आएगा मैच के अंदर की नहीं, ये तो कुछ बीते हुए क्षण बताएंगे। गेम चलता हुआ सबके लिए है रेफरी के ऊपर, लेकिन नहीं, रेफरी अपने निर्णय पर कायम इंतजार करते हुए गेंद को आखिरी क्षण तक गिरने के लिए और आउट नंबर कालीगंज के हाथों में। स्कोर बढ़ता हुआ कालीगंज का लगातार चौथा नंबर था ये कालीगंज, बहुत ही अच्छा गेम, कोऑर्डिनेशन, क्या कोऑर्डिनेशन दिखाई दे रहा अभी कालीगंज की टीम के अंदर, जोश उत्साह हुई पारा को भी सूझबूझ का समझदारी वाला खेल दिखाना ही पड़ेगा, माइनस तरफ से फिर मारने का प्रयास, लेकिन आपने जैसे देखा पहले ही ब्लॉक अच्छा चल रहा है, वैसे ही सेम ब्लॉक दोनों टीमों में ब्लॉकों का अच्छा प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन पुनः रेफरी की निगाहों में फंसते हुए प्लेयर क्रॉस करके लाइन को आकर्षित करते हुए पारा की टीम बड़े लंबे अंतराल के बाद 5 नंबर के बाद पहला रन प्राप्त कर दिया पारा की टीम। स्कोर बनता हुआ 15-17, 2 नंबर का ही अंतराल है, मैच बहुत ही काटे की टक्कर की, फिर वही गलती जैसे पिछले मैच में कुछ क्षण पहले नंबर दिए थे, लेकिन अच्छा प्रयास पार करने का 6 नंबर के कॉर्नर के प्लेयर ने नेट पर आकर अटैक के अंदर मारकर एक अंक अपने टीम के लिए अर्जित करते हुए 16-17 गुना बराबर के मुकाबले पर पहुंचते हुए पारा की टीम। एक अंक का अंतराल कोई बहुत बड़ा अंतराल नहीं है, ये बताता है कि दोनों टीमें बराबर के मुकाबले माइनस तरफ मारने प्रयास, ब्लॉक आउट, देखा ब्लॉक जैसे ही खुला हुआ है ब्लॉक पर ही जोर से मारा और आउट, अंक जनती हुई कार्यक्रम की टीम 18-16। 2 नंबर का था सर्विस जीतू के पास, छोटी और लगाती हुई सर्विस, लेकिन बहुत ही अच्छा पास काउंटर बताने प्रयास, ब्लॉक बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है लगातार कालीगंज की टीम से, अगर आपने नेट पर पकड़ लिया तो जरूर आप जो है मुकाबले को ही पकड़ लेते हैं, ऐसा ही दिखा रही है कालीगंज की टीम लगातार तीनों प्लेयर घूमते हुए ये गलती, एक एक नंबर का जहां लड़ाई चल रहा वहां पर ऐसी छोटी गलतियां आप पर भारी पड़ सकती है, अनुभव जरूर है लेकिन उसका प्रयोग उचित होना चाहिए। दोनों टीम की तरफ से बराबर का मुकाबला, आपने सर्विस खराब किया हम भी करेंगे, खेलेंगे तो मैदान पर ही खेलेंगे, दिखाते हुए दोनों टीमें बहुत ही बढ़िया गेम देखने को मिला। सेमीफाइनल ब्लैक के बीच में अच्छा गए, उस गए का फायदा उठाकर जीतू ने टीम के लिए अंक अर्जित किया, टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 18-20, अभी भी चांस है पारा के पास, 2 अंक लगातार अर्जित करना बहुत ही निहायत जरूरी, और ये नहीं, बहुत ही खराब लेट के साथ ऊपर जम करते हुए शरीर उठती हुई नेट उठता हुआ, नतीजा पहला सेट कालीगंज के हाथों में, बहुत ही शानदार मुकाबला सेमीफाइनल के इस पहले सेट का पारा और कालीगंज में भी, दोनों टीमों की शुरुआत बराबरी से रही, बीच में एक अच्छा अंतराल प्राप्त किया था पारा की टीम ने और एक सेकेंड सर्विस पारा की तरफ से बढ़िया बुद्धिमानी वाला प्लेस अंक अर्जित करते हुए तारतम्यता अभी भी बरकरार कालीगंज की टीम के अंदर, थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन की कमी नजर आ रही है, टीमें दोनों ही बराबर हैं, बस कौन कितना सूझबूझ दिखाता है ये दिखाता है, ब्लॉक अभी भी हावी, टीमें बराबर लेकिन ब्लॉक कहीं ना कहीं हावी पड़ रही है कालीगंज की, जिसका नतीजा 2-0। सर्विस बहुत ही बढ़िया लगाता हुआ, अच्छा पास, अच्छा प्लस रेज, लेकिन गेंद अभी भी हवा में, बहुत ही बढ़िया डिफेंस कालीगंज की टीम के द्वारा, ये होता है जोश और उत्साह, टीम के 2 या 3 मेंबर्स प्लेयर्स अच्छा गेम खेलते हैं तो बाकी बचे हुए टीम में अंदरूनी उत्साह अपने आप जाग जाता है, जो कि दिखाई दे रहा है कालीगंज के प्लेयर के ऊपर, और यह गेंद बहुत ही अच्छा प्लेयर अपने टीम का, जब भी मैदान में फंसती है नाव को निकालने में माहिर, अपनी टीम के लिए पहला खाता खोलते हुए, और इसी के साथ कालीगंज का स्कोर बढ़ता हुआ 3 पारा है, 2 पॉइंट से आगे चल रही कालीगंज, काफी शानदार है कालीगंज, ये पश्चिमी छोर पर कालीगंज, पूर्वी छोर पर पारा, कालीगंज
जीतकर खेलती हुई बहुत अच्छा डिफेंस जीतू एक नंबर की टी शर्ट में बहुत ही शानदार डिफेंस काफी शानदार कोशिश नाकामयाब रहे और काफी ज्यादा समय चलता हुआ पारा और कालकंद के बीच में जिसमें कालकंद चार पॉइंट से आगे चलती हुई बॉल और ये बॉल काफी शानदार है डिफेंस का लेकिन अंदर रुक ये पॉइंट अमित क्या पारा ने पारा का दो कालकंद का तीन पॉइंट से आगे चलती हुई कालकंद काफी शानदार काफी शानदार प्रयास था काफी शानदार प्रयास था लेकिन नाकामयाब रहे बहुत शानदार मैच कालीगंज के स्कोर पर पारा तीन दो पॉइंट लगे कालीगंज कभी शानदार खिलाड़ी कभी शानदार अटैक लगा और ये बहुत ही शानदार डिफेंस ब्लॉक होने के बाद उठाया खिलाड़ी ने काफी शानदार ये रेज और छोटी और ये बहुत ही अच्छा खालीगंज देखकर बॉल को दिशा देती एक नंबर पे एक नंबर जैसे मेरे साहब ने सात दस पॉइंट टारगेट के हासिल के लिए वो आती वो केके केके दिमाग से आगे का लगा ठीक है ठीक है अच्छा बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ एक नंबर ही जल्दी जीतू और सब समय अटैक था लेकिन उतना ही अच्छा प्रयोग रेफरी द्वारा फाउल करार दिया गया कालीगंज खिलाड़ी को एक पॉइंट दिया गया पारा को इसी के साथ पारा चार कालीगंज छह लेकिन अच्छा और ये सात कालकर पारा पांच दो पॉइंट के दूसरे सेट में आगे कालकर बहुत शानदार अटैक बहुत ही शानदार एक पॉइंट दूसरे पारा के खिलाड़ी ने अच्छा टैक पारा इसी के साथ पारा छह और कालकर सात फिर से कालकर के एक पॉइंट मिला कालकर नौ पारा छह तीन पॉइंट से लीड लेकर आगे चलते हुए कालकर शानदार सर्विस अच्छा डिफेंस करेगा काफी मैच चल रहा हुआ ये दोनों के बीच पारा और एक पॉइंट के आगे भी चल रही है कालकर पास अच्छा अच्छी रेड पटाखे चलना चाहिए लेकिन नाकामयाब रहे जयकर और फंसाया पट्टी में
अखिल जीव अच्छा पास अटैक किया अच्छा और फिर के रेखा से बॉल बाहर गोल में क्या ठीक है पहले एक टाइम अर्जित किया अनुराग चार नंबर जर्सी में अपनी टीम के लिए इसी के साथ काल का 11-12 आगे बढ़ते हैं इसी रूप में मैच चलता हुआ अच्छा अटैक करने की कोशिश में बहुत शानदार था डबल ब्लॉकर के साथ गोल करने नाकामयाब किया अटैकर को और एक बार फिर लगातार इसी के साथ काल का 12-10 दो पॉइंट से आगे काल का टाइम आउट किया काल का ने आवाज ही नहीं आ रही ठीक है सत्यम ठीक है बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ ये और काफी शानदार अटैक करने की कोशिश में और छोटी बॉल और ये वही पास पीछे धकेल लिया बॉल को और अर्जित किया एक पॉइंट इसी के साथ चार नंबर सेकंड लास्ट गेम बॉल कालीगंज का कालीगंज को दो और चाहिए विजय तिलक लगाने के लिए और बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ ये और अटैक अच्छा लगना चाहिए अटैक अच्छा लगा दो ब्लॉक के ऊपर से और चार नंबर की जर्सी में अर्जित किया एक पॉइंट अपनी टीम के लिए 12 के खिलाड़ी ने के साथ 12-11-13 दो पॉइंट पीछे पारा और दो ही पॉइंट से कल को जीतने के लिए बहुत शानदार पास प्लीज 21 रन के लगा रहा ये शानदार है पास अच्छा टैग लगा है अच्छा टैग 14-21 का सेट खेला जा रहा है 21 का ये सेट है सेमीफाइनल का कालीगंज का 14-11 पर 3 पॉइंट आगे कालीगंज काफी शानदार चेकआउट निर्णायक ने बताया और एक पॉइंट दिया 12 को इसी के साथ 12 का स्कोर बढ़ता हुआ 12 कालीगंज का 14 काफी शानदार अटैक और ये सीधा कॉर्नर में रख दिया बॉल को और एक पॉइंट अर्जित किया अपनी टीम के लिए 7 नंबर खिलाड़ी और पॉइंट 15-12 कालीगंज 15 3 पॉइंट से आगे चल रही कालीगंज 12-12 और निर्णायक की विशेष न बजने के कारण इस सर्विस से डाली जाएगी 4 बहुत ही शानदार अटैक ब्लॉक के ऊपर से मारा अटैक 4 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी 12 का स्कोर बढ़ता हुआ 14 ड्रॉप अगला सेमीफाइनल में हिंदी और उसके बीच खेला जाएगा है दो टीमें आपको बनाया जा रहे हैं चलो हां ठीक है दे चुके हैं अन्ना से पॉइंट 4 पॉइंट है यहां ओए ठीक है ओए कहां काफी शानदार मैच चलता हुआ ये और ये कालकन ने पॉइंट अर्जित किया इसी के साथ कालकन ने स्कोर बढ़ता हुआ 100 चार नंबर पकड़ो एक नंबर की जर्सी में खिलाड़ी काफी शानदार सर्विस अटैक लगना चाहिए और ये ब्लॉक ऊपर से आता है कितना इसका डिफेंस फिर से आराम से दिशा दिया इजी पॉइंट दे था जी और 16 और काफी शानदार पास दिया है और उतनी अच्छी रेंज है थोड़ा सा अंतर अटैक करना कामयाब है और ये बहुत ही शानदार अटैक ब्लॉकर के ऊपर से और टाइम आउट किया कालीगंज के खिलाड़ी ने
सा फास्ट मैच चलता हुआ, एक पॉइंट आगे पारा निपटने के लिए, एक पॉइंट की पारा 17 और कालीगंज 16, एक पॉइंट पीछे चल रही कालीगंज। अगर कालीगंज को मैच में वापसी करनी है तो अपना पिछला रूप लाना होगा इनको और थोड़ा तेजी के साथ पॉइंट को हासिल करना होगा। पारा सत्रह कालीगंज ने जीता है, दूसरे सेट में बढ़त पे चल रही पारा काफी शानदार है, लेकिन निर्भय फंसी फिर से पार किया और अच्छा टैकल मिल गया। उसी के साथ कालीगंज का 17-17 दोनों ओर और किसके कारण से एक पॉइंट दिया कालीगंज को। इसी के साथ कालीगंज एक पॉइंट लीड में 18-17। बहुत ही शानदार मैच चलता हुआ और ये सर्विस पारा को इसी का स्कोर बराबर। काफी अच्छा पास, काफी अच्छा डिफेंस, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। जहां पे हमारे कमेटी के मेंबर सब बैठे हैं वहीं पर सीधा टैग, बार बार वहीं पर बॉल जा रही है। बहुत ही शानदार 7 नंबर की जर्सी में खिलाड़ी विजय, बहुत ही शानदार अटैक अपनी टीम को बार बार पॉइंट दिलाते हुए। एक पॉइंट फिर से इन्होंने हासिल किया इसी के साथ। सिंगल लॉन्ग गेम बॉल कालीगंज की, ठीक है रोहित आइए अच्छा टैग और एक पॉइंट हासिल किया। दो इसी के लास्ट गेम बॉल 19-19 दो बराबर चल रहे हैं। इसी के साथ देखना है कौन बढ़त लेता है, इसी में गेम बॉल अपनी ओर करता है। बहुत ही शानदार अटैक की कोशिश में है लेकिन प्रेस किया उधर ही शानदार और अटैक किया और ये गेम बॉल पारा गेम बॉल पे खेलेगी। अगर इनको कालीगंज के खिलाड़ियों को रोकना है तो एक पॉइंट अर्जित करना होगा, कालीगंज को एक पॉइंट अर्जित करना होगा और अर्जित किया खिलाड़ी ने 7 नंबर की जर्सी में विजय ने अर्जित किया एक पॉइंट पे टीम के लिए और बेस्ट ऑफ टू खेला जाएगा। आप 20-20 बराबर 4 नंबर बेस्ट ऑफ टू बॉल पकड़ और काफी शानदार ब्लॉक था। बैक फिर से अटैक किया तैयार और अटैक किया काफी शानदार है, कोई चांस नहीं बॉल को वापस आने में, कोई चांस नहीं। और 4 नंबर की जर्सी में पारा का खिलाड़ी अपने बार बार अपनी टीम के लिए एक पॉइंट अर्जित करता हुआ और इसी के साथ पारा 21 और कालीगंज 20 पारा का गेम बॉल बहुत ही शानदार अटैक काफी शानदार और बहुत अच्छा डिफेंस। पारा का गेम बॉल है और देखने गेम कर पाते हैं और ये 7 नंबर के खिलाड़ी में बार बार सब दर्शकों की नजर में आता हुआ एक खिलाड़ी विजय 7 नंबर की जर्सी में फिर से अपनी टीम को एक पॉइंट दिलाया फिर से बेस्ट ऑफ टू। काफी शानदार काफी सारा मैच चल रहा हुआ फिर से बहुत शानदार खिलाड़ी दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा टक्कर का मैच चल रहा है। चार नंबर कालीगंज की आगे बॉल है ये और देखते हैं कालीगंज क्या करती है। बहुत शानदार इनका कहा था 4 नंबर दे दो कब सर्विस दे दिया। चार नंबर की जर्सी में खिलाड़ी 22-22 बराबर बेस्ट ऑफ टू खेला जाएगा ये मैच। लगातार बेस्ट ऑफ टू चलता हुआ मैच, दोनों की टीम बहुत ही अच्छी है, पास अच्छा, रेंज अच्छी, अटैक अच्छा, पॉइंट अच्छा और एक बार फिर से अर्जित किया रिसा काफी शानदार खिलाड़ी और अपनी टीम को लाके खड़ा कर दिया फिर से गेम बॉल पर। इसी के साथ गेम बॉल चलती हुई कालीगंज की गेम बॉल बार-बार कालीगंज गेम बॉल काफी शानदार डिफेंस है, काफी अच्छा टैकल चाहिए और अभी तक कोई निर्णय नहीं आया।
विधायक का निर्णय सर्वमान्य होगा और एक पॉइंट दिया गया पारा को 13-13 बेस्ट ऑफ टू। डिफेंस अच्छा, अटैक अच्छा होना चाहिए, अटैक अच्छा, चेक आउट, चेक आउट। एक पॉइंट दिया गया कार्यक्रम को, फिर से कार्यक्रम का गेम पॉइंट, कार्यक्रम का गेम पॉइंट रहेगा। कार्यक्रम एक पॉइंट अटैक करती है तो पीछे तिलक लगाएगी। काफी समय मैच चला, इसके बाद धीमी का मैच होने वाला है और काफी ज्यादा